अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय न्यू रेसिपी कुक विद अरबिया में आप सबका मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी दही वाली भिंडी की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार, चटपटी सी और मसालेदार बनेगी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले ली है भिंडी, इसको मैंने अच्छे से धो लिया था, धोने के बाद इनको सुखा भी लिया था। और ये भिंडी होगी तकरीबन 400 ग्राम। हमें सबसे पहले भिंडी को कट कर लेना है, तो इसके जो एजेस हैं वो हम निकाल देंगे इस तरह से। और फिर आपकी अगर भिंडी बहुत ज़्यादा बड़ी है तो आप उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, और अगर छोटी है तो आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। उसके बाद हमें इस तरह से बीच में से इसमें कट लगा देना है, पूरी भिंडी को हमें अलग नहीं करना है, बस एक तरफ से इसमें इस तरह से हम कट लगा लेंगे कि भिंडी अंदर तक खुल जाए और जो भी मसालों का फ्लेवर हो ना उसमें अंदर तक चले जाए। तो यहाँ पर भिंडी को मैंने इस तरह से कट कर लिया है। तो सारी भिंडियाँ मैंने काट करके रख ली हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से भिंडी को काटना था। तो मैंने यहाँ पर भिंडी सारी काट ली, अब हम इनको रखते हैं साइड में। और हमें ले लेना है यहाँ पर दही। तो दही जो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो हम खट्टा वाला दही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी थोड़ी सी खट्टी अच्छी लगती है। अगर आपको खट्टा पसंद नहीं है तो आप सादा ले लीजिए। उसके बाद हमने इसमें 1 चम्मच भुना हुआ ज़ीरा डाल दिया है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है। साथ ही इसमें 1 चम्मच हम डाल देंगे गरम मसाला पाउडर, और इसको हम अच्छे से बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। जब मसाला और दही बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो ये पेस्ट जो है वो बन करके रेडी हो जाएगा, जो कि हमारी भिंडी में बहुत ही बढ़िया सा स्वाद लाएगा। तो इसको हम रखते हैं अब साइड पर। अब चलते हैं हम अपनी गैस की तरफ। तो गैस में मैंने ले ली है 1 कढ़ाई, उस कढ़ाई में हम डाल देंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल हमने यहाँ पर जो लिया है वो सरसों का तेल लिया है, आप अपने जो भी ऑयल में सब्जी बनाते हैं आप वो ले लीजिए। अब क्या करना है कि जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, तब हम इसमें डाल देंगे भिंडियों को, और भिंडियों को कर लेना है इसमें हाई फ्लेम पर, हम इसको फ्राई कर लेंगे अच्छे से। तो इससे क्या होगा कि भिंडी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी बनेंगी, और जो एक वो लम्स होता है ना उसमें चिपचिपाहट होती है, तो वो भी नहीं आएगी आपकी भिंडियों में। तो इस तरह से हम इसको थोड़ी देर तक हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। 70 से 80% हम भिंडियों को यहीं पर कुक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि भिंडियों में अगर इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है और सॉफ्टनेस भी आ जाएगी, तब हमारी भिंडी पक करके फ्राई हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे भिंडी जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं, एक प्लेट में निकाल लीजिए आप इसको। तो सारी भिंडी को हम इसी तरह से निकाल लेंगे। उसके बाद कढ़ाई में हम ऑयल फिर से डालेंगे। तो इसमें थोड़ा भी ऑयल रह गया है, और भिंडी को भी हमने फ्राई किया है तो उसमें भी ऑयल है, इसलिए अब हम इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे। तो ये देखिए सारी भिंडियाँ मैंने निकाल ली हैं। गैस की फ्लेम को अब हम चालू करेंगे फिर से, और हाई फ्लेम पे हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ही। अब हम यहाँ पर कुकिंग ऑयल डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। इसको भी हम अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं। जब ये गर्म हो जाएगा तब हम इसमें 1/2 टीस्पून के करीब ज़ीरा डाल देंगे, और इसी के साथ में हम 2 हरी मिर्ची डाल देंगे। साथ ही इसके थोड़ी सी हम इसमें हींग डाल देंगे। थोड़ी देर हम जो ज़ीरा है उसको चटकने देंगे अच्छे से। जब ये चटक जाएगा अब हमें ले लेना है 2 मीडियम साइज की प्याज, और उसको इस तरह से कट कर लेना है। तो प्याज को हम इसी के साथ में डाल देंगे, और थोड़ी देर के लिए हम प्याज को फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा हम इसको फ्राई नहीं करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए, बस थोड़ी देर के लिए ही हम इसको सॉटे कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज जो है वो फ्राई हो चुकी है। बस अलग अलग करना है प्याज को, और हमें इसका कलर चेंज बिल्कुल भी नहीं करना है कि हम इसको गोल्डन फ्राई करें या बहुत ज़्यादा नहीं। इसी तरह से हम प्याज को फ्राई करेंगे। जब प्याज हल्की सी फ्राई हो जाएगी तब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसी के साथ में हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर। तो 1/2 टीस्पून के करीब हमने हल्दी पाउडर डाल दी है, और साथ में 1 चम्मच हम इसमें लाल कश्मीरी मिर्च डाल देंगे, जिससे कि कलर बहुत अच्छा आएगा भिंडी में। अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हमें मसालों को भूनना है। अदरक लहसुन जो हमने डाला है उसको हम अच्छे से भून लेंगे, तभी हमारी भिंडी में बढ़िया सी खुशबू आएगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम साथ ही साथ नमक भी डाल देते हैं, और इनको अच्छे से हम भून लेते हैं।
लो टू मीडियम फ्लेम पर मसालों को जलाना भी नहीं है और अच्छे से इसको भून भी लेना है। जब ये अच्छे से भुन जाएंगे तब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना जब मसाला, तब हम इसमें ये दही वाला पेस्ट उठा करके डाल देंगे। अगर आप चाहें तो गैस को चालू करके ही भी डाल सकते हैं गर्म में, बस थोड़ा सा दही के फटने का डर रहता है। अगर आप नहीं चाहते कि आपका दही फटे या फिर आप मैनेज कर सकते हैं तो आप गैस की फ्लेम में ही डाल सकते हैं कि चालू हो गैस, गर्म हो और आप डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैंने दही वाला पेस्ट डाल दिया है और इसको अच्छे से मिला लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को चालू कर देंगे और हाई फ्लेम पर हम इसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे, जब तक कि यह दही और जो हमने मसाले इसमें डाले हैं वो अच्छे से नहीं भुन जाते हैं, ऑयल हमें बिल्कुल अलग अलग नहीं दिखने लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसाला थोड़ा भुन चुका है, अभी हमें इसको और भूनना है, क्योंकि मसाले जब तक कि आपके भुने हुए नहीं आपको दिखेंगे जब तक कि ऑयल अच्छे से अलग नहीं हो जाएगा। मसाला तभी भुनता है जब वो तेल छोड़ देता है। तो यहाँ पे इसको अभी हम और पकाएंगे और अच्छे से इसको भुनने देंगे। थोड़ी देर हमें इसको और पकाना है, तो आप देख सकते हैं कि ऑयल जो है वो मसाले से रिलीज होने लगा है, यानी कि हम मसाला जो है वो भुनने लगा है। तो इसको हम थोड़ा सा और भूनेंगे अभी। बहुत अच्छे से ये मसाला भुन चुका है अब और बहुत अच्छी इसमें खुशबू भी आने लगी है। सारा ऑयल इसने देखिए रिलीज़ कर दिया है। तो बस इस स्टेज पे जो हमने भिंडी फ्राई करके रखी थी ना वो हम डाल देंगे यहाँ पर। तो सारी भिंडियों को हम यहाँ पर डाल देते हैं। अब अगर आप अदरक लहसुन नहीं खाना चाहते या प्याज नहीं खाना चाहते हैं तो आप इन सबको स्किप करके खाली आप दही वाला पेस्ट बना करके भिंडी बना सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपको भुनी हुई भिंडी खाना है तो आप यहाँ पर पानी मत डालिए, लेकिन मैं थोड़ी सी शोरबे वाली बना रही हूँ तो यहाँ पे मैं थोड़ा पानी डालूँगी और फिर देखूँगी, अगर मुझे और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं और डालूँगी। तो इसको अभी मैं मिक्स कर लेती हूँ, मिला लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा हमें इसको पकाना होगा और जब ठंडी होगी सब्ज़ी तब भी थोड़ी थिक हो जाती है, इसलिए पानी हम पहले इसमें थोड़ा हिसाब से डालेंगे। तो थोड़ा पानी मैं यहाँ पर और डाल देती हूँ। इसके बाद इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और भिंडी ऑलरेडी हमारी 70% तक पकी हुई है, तो इसलिए हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। थोड़ी देर हम इसको कवर करेंगे और फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसको पकने देंगे, फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो 5 मिनट में भिंडी हमारी जो थी वो पक चुकी थी कवर करने के बाद, और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया सी भिंडी हमारी है जो बन करके बिल्कुल रेडी हो गई। बहुत ही बढ़िया सा इसका कलर भी आया है, टेक्सचर भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा आया है। तो ये भिंडी जो है बहुत अच्छी लगती है, आप इसको दाल चावल के साथ खाइए, आप इसको रोटी पूड़ी पराठे ऑल टाइम, ये भिंडियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। अगर आप भिंडी खाने के शौकीन हैं और आपको भिंडी बहुत ज़्यादा खाना पसंद है तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, आपको भी पसंद आएगी और आपकी फैमिली को भी पसंद आएगी। कैसी लगी आज की रेसिपी मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। आप लोग के फीडबैक से मुझे पता चलता है कि मेरी रेसिपी सही बन रही है या आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही, जो भी ये हम कहते हैं। अगर गलती भी है कुछ तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।